अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा आधा किलो, ये रूखा नहीं है, इसमें हमने थोड़ी सी चर्बी डलवाई है। धनिया और पुदीना एक कप, प्याज दो अदद, सब्ज़ मिर्च 6 से 7 अदद, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, घी 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, बेसन 1 टेबलस्पून। तो चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चोपर में कीमा, प्याज और सब्ज़ मिर्चें, ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने कीमे वाली मशीन से ही निकलवा ली थी। बेसन, घी, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर और साथ ही सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे। कीमा हमारा रेडी है, ये देखें, ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह होना चाहिए। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब हम गैस ग्रिल पे बनाएंगे। ग्रिल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। जब तक ग्रिल गर्म हो रही है तब तक हम कबाब बना लेते हैं। कीमे का कुछ पार्ट लेके हाथ में अच्छी तरह प्रेस करें। ये देखें, एक सीख हमारी रेडी है। इसी तरह दूसरी सीख भी रेडी करेंगे। थोड़ा सा कीमा लें, उसे ऐसे गोलाई की शेप दें। फिर उसे सीख पे चढ़ाएं। जहाँ से आपने कबाब बनाने स्टार्ट करने हैं वहाँ तक ले जाके इसे स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाएं। जब तक कबाब बन रहे हैं हम साथ इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं। जग में अनारदाना, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा अदरक डालें। और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालें। जब देखें कि अनारदाना अच्छी तरह पिस चुका है फिर इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल दें। चटनी हमारी रेडी है। अब हम कबाब को देख लेते हैं।
अब हम इन्हें उतार लेंगे।